शारीरं मानसं दुःखं प्राप्नोति वत दारुणं। बड़े खेद की बात है कि नाना योनियों से भरे हुए इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह संसारी प्राणी दारुण शारीरिक और मानसिक दुखों को भोगता रहता है। संसार में दुखी दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक दुख है, व्यापारिक दुख है। संसार में दुख के अलावा है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन दुखी, जीवन दुखी, संसार में सब दुखी ही दुखी, संसार में दुख ही दुख है। और यह जीव जो है वह नाना योनियों में परिभ्रमण करते हुए अर्थात 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री इन पर्यायों को धारण करके दुख ही दुख को सहन किया है। आचार्य महाराज इस गाथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से संसार दुखमय है यह बता रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि संसार में दुख है या सुख है तो क्या जवाब होगा आपका? आप कहेंगे दुख है। जब दुख है तो आप दुखी है या सुखी है? आप कहेंगे दुखी है। जब आप संसार दुखमय है, आप दुखी है, तो फिर सुखी होने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? सुखी होने के लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं किया जाता है? आप पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आपका पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए पुरुषार्थ होता है। आपके द्वारा सिर्फ क्षणिक सुख का ही उपभोग हो रहा है। आपको अच्छे से मकान में रहने के लिए मिल जाए, अच्छा सा बिस्तर हो, एसी लगा हुआ हो, तो आपको लगता है मैं पूर्णतः सुखी हूं। अच्छा सा रूम मिल गया, अच्छा सा बेड मिल गया, एसी मिल गया, आपको लगने लगा कि मैं पूर्णतः सुखी। ये सुख कितनी देर का है? कितने देर का? 2.5 महीने से आप अपने घर में है ना, सुखी है या दुखी है? बाहर जाने के लिए छटपटा रहे हैं लोग, टिकावे लॉकडाउन से मुक्ति मिले और हम बाहर जाए। क्या हुआ? घर में सुख था, तुमने अपने लिए घर बनाया था, अच्छे से अच्छा बनाया था, अपना बेडरूम बहुत अच्छा तैयार किया था, फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगाया है, डल्लब के गद्दे रखे हैं, एसी भी है, सब कुछ है, फिर बाहर जाने के लिए बेचैनी क्यों? इंद्रिय के सुख जो है वे क्षणिक है। जब तक मकान नहीं था तब तक मकान के पीछे भाग रहे, मकान बनने के साथ ये छोटा पड़ता है, यदि 3 BHK का होता तो अच्छा था, ठीक हो जाए, फिर 4 का हो जाए, फिर बंगलो होता तो बढ़िया था, पेंट हाउस होता तो अच्छा था। यही तो चलता रहता है, क्षणिक सुख क्षण भर सुख देता है और फिर एक नए सुख के लिए को तैयार कर लेता है, चलो दौड़ना प्रारंभ करो। तो चतुर्गति संसार में यह जीव परिभ्रमण करते हुए दुखी भोग रहा है। स्पर्श इंद्रिय का सुख मिल गया, रसना इंद्रिय का सुख मिल गया, अच्छा खाना पीना मिल गया, कितने देर? जब तक थाली में वह भोज सामग्री है तब तक खाने की इच्छा है, और जैसे ही आपने उठाकर के मुख में रखा क्या हुआ? क्या हुआ? एक पल का सुख भोगा और वह पदार्थ पेट में गले के नीचे। अब और दिया जाए, आप 2 रसगुल्ले खा लिए, 4 खा लिए,
पत्नी मना रही है क्योंकि खाया ही क्या है, दो और ले लो, पागल हो गए है क्या, बस अब मुझसे नहीं होता है, अब मैं नहीं खा सकता। विचार करो, एक क्षणिक सुख चार रसगुल्ले तक ही है, उसके बाद तो आप मना कर दोगे कि बस भाई चार रोटी तक ही है, उसके बाद आप मना कर दोगे, कोई जोर से कहे भाई पेट फाड़ोगे क्या, ऐसा बोले लग जाते क्या। हर चीज के साथ इंद्रिय के जो सुख है वे इतने देर के लिए ही है, इसलिए इन सुखों को क्षण सुख कहा है, और हम सभी लोग उस क्षणिक सुख के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसे ही पाना चाहिए। पूरी जिंदगी लगा देता है व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए। लोगों से पूछना भाई तुम्हारा सपना क्या है, मेरा सपना है कि एक अपना खुद का मकान बन जाए, ये सपना है यार, मेरा सपना है कि मेरा खुद का मकान बन जाए। अच्छा और क्या सपना है तुम्हारा, बस एक अच्छे से घर में बढ़िया सुंदर सुशील लड़की से शादी हो जाए, बस एक सपना है, ठीक है। और क्या सपना है, बस संतान सुख मिल जाए, यह सपना है। आदमी सपने भी तो ऐसे देख रहा है जो कि सुख के स्थान पर दुख के ही कारण है। पंचम काल महादुखदायी, क्या कहते हैं, पंचम काल महादुखदायी, ये जो पांचवा काल है दुख का कारक है। यहां पर हर एक पदार्थ प्रारंभ में सुख देता है, लेकिन उसके बाद वह दुख का ही कारक है, दुख ही दे। हर पदार्थ प्रारंभिक क्षण में सुख देने वाला है। आप गाड़ी लेकर के आए, बड़ी खुशी होती है, सबको बोलते हैं गाड़ी ले रहे हूं, गाड़ी ले रहा हूं, गाड़ी ले रहा हूं, कौन सी ले रहा है, आपने बताओ, अच्छा बहुत अच्छी गाड़ी भाई, हाँ गाड़ी लेने की खुशी है, जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बहुत खुशी है कि कल गाड़ी आएगी, इतने वाले लेना है, सब मोल देख करके लेते हैं। आदमी जहां गाड़ी उठाने जा रहा है वही पर स्वस्ती बना देता है, वही पर नींद रुचि लटका देता है, वही पर पूजा पाठ कर लेता है, और गाड़ी लेकर के आता है, उसके बाद मंदिर लेकर के जाता है, तीर्थ पर लेकर के जाता है, वहां पर पूजा पाठ करता है, सब कुछ कर लिया, कितनी खुशी मिल रही है आपको। लेकिन फिर क्या होता है, आप आज गाड़ी लेकर के आए हैं, और जैसे ही आपने गाड़ी को लेकर के अपने घर की गली में मोड़ा और एक स्क्रैच लग गया, अरे रे रे, वो स्क्रैच गाड़ी में नहीं आया, आपके दिल में ही आ गया। गाड़ी से उतर करके आप लगातार उसी स्क्रैच को देखते हैं, उसे साफ करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, स्क्रैच आ ही गया। जो गाड़ी सुख के लिए लाए थे, आते से ही गाड़ी ने दुख दे दिया। इतना ही नहीं, शाम को साला गाड़ी मांगने आ गया, शाम को साला गाड़ी मांगने आ गया, अब क्या करें, गाड़ी दो तो गाड़ी बिगड़े, नया दो तो गाड़ी बिगड़े, पत्नी नाराज हो गया, गाड़ी है तो दे दो ना, क्या जाता है, विचार करिए, आपने पूजा पाठ किए, एक खराब जग गई है, उसका दुख गया नहीं, साला लेने आ गया, मना करते बनता नहीं, क्या करेंगे आप, विचार करके चलना। संसार के सभी पदार्थ प्रारंभ में सुख देते हैं, प्रारंभ मत तुरंत तत्क्षण सुख देते हैं, उसके बाद वे यही कारण। मिट्टी खाने में अच्छी लगती है ना, जब तक मुंह में है बड़ा मजा आता है, एक चटपटा स्वाद, तीखा स्वाद, और थोड़ी ज्यादा खा लो तो, अभी तो एक मिनट का सुख मिला था बेटा, पेट में जाने के बाद आपको दिन भर तकलीफ देगी, ज्यादा खा लो वह भी तकलीफ का कारण हो जाता है, शुगर जैसी बीमारी को पैदा करता है। पंचम काल महादुखदायी, जो पंचम काल है वह दुख का।
कारण है, इसमें त्रुटिहीन है। प्रारंभ में एक पल शुभ दिखता है लेकिन बाद में आचार्य यहाँ पर कह रहे दुखमय संसार, संसारे पर्यटन जस्तु बहुयोनी समाकुले शारीरम मर्पण दुखम प्राप्नोति दारुणम। ये दारुण दुख को प्राप्त कर रहा है कौन से, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और शरीर संबंधी दुख है, कभी सिर दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी पेट दुखता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी खांसी हो जाती है, कभी कमर दर्द हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कभी बुखार आ जाता है, ये लगातार चल रहा है। ये वात पित्त कफ बिगड़ते रहते हैं और बीमारियां विचार करते हैं। संसार में दुख ही दुख है। आप ये मत सोचिए कि इसमें सुख मिलने वाला है, जहां दुख ही दुख है वहां पर आप लाख कोशिश करो ढूंढने पर दुख ही मिलेगा, मिलेगा। जहां सुख है ही नहीं वहां से सुख ढूंढोगे कैसे मिले, जिन इंद्रियों में इंद्रिय के विषयों में तुम सुख ढूंढ रहे ला ला ला। जो सभी साधु संत सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूं, विद्वान पंडित सब लोग सुनाते हैं, त्यागी व्रति जो भी प्रवचन करने जाते हैं सुनाते हैं। अगर आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, एक बार और सुन लो। एक बुढ़िया घर के भीतर अपनी कथरी सिल रही थी कि उसके हाथ से सुई छिटक गई। वह बेचारी सुई ढूंढती है लेकिन सुई नहीं मिलती, तो बाहर निकल करके आती है, सोचती है घर के भीतर अंधेरा है, अंधेरे में क्या सुई मिलेगी, घर के बाहर स्ट्रीट लाइट है, उसके नीचे पोल के नीचे उजाला है, वहां ढूंढती हूँ। और वह बुढ़िया घर के बाहर लगे लाइट के नीचे सुई ढूंढ ले लगी। देखिए उसकी नादानी, बुढ़िया की नादानी, सुई भीतर खोई और कहां ढूंढ रही है, बाहर खोज रही। क्या सोच के खोज रही है कि बाहर उजाला है तो उजाले में जल्दी मिल जाएगी, और इस ख्याल से वह ढूंढ रही। बुढ़िया ही नादान नहीं है, एक युवक वहां से निकला, कहा मां इतनी रात क्या ढूंढती हो, बोले बेटा सुई हो गई है ढूंढती हो, बेटा माँ आप बैठो मैं आपकी सुई ढूंढ देता, नहीं बेटा तू भी ढूंढ मैं भी ढूंढती, और दोनों ढूंढने लग गए, एक से दो हो गए, दो से चार, चार से आठ, आठ से हजार लोग वहां पर सुई ढूंढने लगे, जो आता वो सुई ढूंढने लग जाता। घंटों हो गए ढूंढते हुए किसी को सुई नहीं। एक संत वहां से गुजरते हैं, संत ने इतनी रात वहां पर लगी हुई भीड़ को देखा तो पूछा कि भाई माजरा क्या है, वजह क्या है इतनी भीड़ है। एक ने कहा कि सुई ढूंढते कितने सारे लोग ढूंढते हैं, हाँ सुई खो गई है, सुई ढूंढते तो किसकी सुई खोई है, ये मुझे पता नहीं है, आप इससे पूछो, मैंने इससे पूछा, इसने कहा सुई खोई है, मैं भी ढूंढने लगा। ऐसा करते करते संत ने सभी से पूछा कि भाई सुई खोई है, किसकी सुई खोई है, सबने कहा हमें पता नहीं है। पहले व्यक्ति के पास पहुंचे संत, बोले भाई सुई किसकी खोई है, बोले इस बुढ़िया की खोई। संत उस बुढ़िया के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, माँ इतनी रात को अच्छा मजमा लगा रखा है, बेटा मेरी कोई गलती नहीं, मैं सुई ढूंढ रही थी, उन्होंने कहा कि क्या खो गया, मैंने कहा सुई, बस सब लोग ढूंढने लगे, मैं भी आपकी सुई ढूंढना चाहता हूँ, इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा सुई ढूंढने की है तो तुम भी ढूंढो, लेकिन संत ने कहा मैं ढूंढूंगा तो सही, लेकिन पहले ये बताओ कि सुई कहाँ खोई है, पहले बताओ कि सुई कहाँ खोई है, तब
उस बूढ़ी माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद कहा कि बेटा इतने सारे लोग से जुड़ रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं पूछा किसकी कहाँ पर है। तू पहला व्यक्ति है जिसने पूछा किसकी कहाँ पर है। माँ यदि मैं यह नहीं जानता किसकी कहाँ पर है तब तक मैं सुई कैसे खोज सकता हूँ, इसीलिए मुझे वह स्थान बताओ किसकी कहाँ पर है। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटा सुई तो भीतर खोई, सुई तो भीतर खोई है। तब संत ने कहा माँ सुई भीतर खोई है और बाहर ढूंढ रही हो, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। अरे सुई जहां खोई है वहां ढूंढना चाहिए। संत भीतर जाते हैं और एक मिनट में सुई ढूंढ करके ले आए। एक कहानी हमने कई बार सुनी, अब इसके सार तक यदि हम चलते हैं, इसके रहस्य तक हम चलते हैं, तो बात यह है कि सभी संसारी जीव सुख ढूंढ रहे हैं, सभी संसारी जीव सुख ढूंढ रहे हैं। कहां? इंद्रिय के विषयों के प्रकाश में ढूंढते हैं कि हाँ सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख मिलता नहीं। लेकिन कोई संत जब आकर के अपनी बूढ़ी माँ अर्थात अपनी जिनवाणी माँ से पूछते हैं कि माँ सब सुई खोज रहे हैं, मैं भी खोजना चाहता हूँ पर बता सुई कहाँ खोई है। तो माँ कहती है बेटा सुई तो भीतर खोई है। और जब संत अपने भीतर जाते हैं तो सुख को लेकर के लौटते हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूँ तुम सुख वहां ढूंढ रहे हो जहां सुख नहीं है। कहां ढूंढ रहे? जहां सुख नहीं है वहां सुख तुम्हारे द्वारा ढूंढा जा रहा है। वहां ढूंढिए जहां सुख है। ये संसार तो दुखमय है, यहां सुख ही दुख है। तुम कितना भी सोच लो कि मैं बड़ा होकर के सुखी हो जाऊंगा, पढ़ लिख करके सुखी हो जाऊंगा, नौकरी करने लग जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, व्यापार करने लग जाऊंगा, बिजनेस करने लग जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री डल जाएगी हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाऊंगा, मैं जब दादा बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, परदादा बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम सुखी हो जाओगे लेकिन सुखी होने वाले नहीं हो, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा कहां से? विचार, संसार में सुख नहीं है और तुम्हें सुख नहीं मिले। संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों तागे, संसार के भीतर सुख होता तो तीर्थंकरों को इस संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? सुख हमारे अपने आत्मा में है, सुख हमारे अपने भीतर है। जो भीतर जाता है वही सुख को प्राप्त करता है, वही सुख को प्राप्त करता है। मैं छोटा था, सभी छोटे होते थे, सभी छोटे होते घर में था, छोटा। जब मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़े होते थे मेरी माँ मेरे भाई सब मुझसे कहते तू भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा, मुझसे कहते तू भीतर जा, मैं उनके डर के मारे भीतर चला जाता, भीतर चला जाता। आज जब मैं मुनि बन चुका हूं तो अपने भाई की अपने माँ की अपने पिता की बाहर याद आती है तू भीतर जा। मेरे माता पिता कह रहे थे, मेरा भाई कह रहा था कि बाहर क्या भटक रहा है तू भीतर जा। क्या कह रहे थे? तू भीतर जा। अर्थात वे ऐसा कहकर के मुझे मुनि बनने की साधु बनने की प्रेरणा दे रहे थे। अब जब मैं मुनि बन गया और मुझसे कहा गया भीतर जा तो मैं अपने भीतर जा। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे माता पिता ने कहा तू भीतर जा, भगवान महावीर स्वामी तर गए, आचार्य कुलदेव स्वामी तर गए, आचार्य स्थान सागर तर गए, तू भीतर जा। और मैं भीतर जाके तर गया। मैं आप सबसे कहता हूं तू भीतर जा, आप भीतर जाइए, आप भीतर जाएंगे, आप भीतर जाइए। साथियों संसारे पर्यटन जंतु बहु योनी समाकुले शारीरम मान सब दुखम प्राप्नोति पददारुणम। बड़े खेद की बात है कि नाना योनियों में भरे हुए
इस संसार में परिक्रमण करता हुआ यह संसारी प्राणी दारुण सारी मानसिक दुखों को भोग रहा है, लेकिन छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दुख से मुक्ति के उपाय तो पूछता है, लेकिन उन उपायों को जीवन में स्वीकार नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज खेद प्रकट कर रहे, क्या कर रहे, बड़ा खेद है। विचार करिए, खेद प्रकट करना एक आचार्य महाराज के द्वारा प्रकट करना कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे लिए खेद प्रकट कर रहे भी बड़े खेद की बात है कि आत्मा परमात्मा के सदृश होते हुए भी, आत्मा कैसी है, बिल्कुल स्वामी ने कहा आत्मा सुपरमात्मा, आत्मा परमात्मा के सदृश होते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर ये जीव दुख में संसार में। साथियों, संसार की भटकन से बचने के लिए पुरुषार्थ करिए, संसार दुखमय है इसका एहसास करिए, एक क्षणिक सुखों में अपने आप को सुखी महसूस मत करिए, कि क्षणिक सुख सिर्फ क्षणिक सुख ही है, ये हमारे शाश्वत सुख ही है। शाश्वत सुख तो आत्मा का सुख है, शाश्वत सुख तो मोक्ष का सुख है, और उस सुख को पाना ही इनका आपसे थोड़ी सी चर्चा आज मैंने इस सार समुच्चय ग्रंथ की दूसरे श्लोक पर की है कि संसार दुखमय है इसका बोध संसार में रहने वाले हर प्राणी को होना चाहिए। जिस दिन संसार दुखमय है ऐसा बोध हो जाएगा, उस दिन आप बोधि के लिए अपने कदम बढ़ा चुके होंगे। आप सब लोगों को मेरे मंगलमय आशीर्वाद कि आप संसार को दुखमय जानते हुए इसे दुख से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें। आप सबको आशीष सुभाषीष, ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा, देव देव जय। कल बात हुई थी, यदि कोई जिज्ञासाएं हो, कोई प्रश्न हो, तो लोग अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। भाई पारस लोहाड़े ने कल ऐसा कहा था, किसी के मन में कोई प्रश्न होगा उसे अवसर दिया जाए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करे, ताकि हमें पता चले कि कौन सवाल। अंशुल सोवितकर, एक अंशुल सोवितकर जी बोलिए। अंशुल सोवितकर जी बोलिए। अंशुल सोवितकर जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आपका म्यूट, अनम्यूट कीजिए अंशुल सोवितकर जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अंशुल सोवितकर जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड में एक कोने में एक बटन है, उसको अनम्यूट कीजिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए सोवितकर जी। मैडम आपके स्क्रीन पे टच कीजिए और लेफ्ट हैंड में कोने में एक माइक का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में माइक का बटन है, देखिए। आपके वहां से करो ना, उनको अनम्यूट हो जाएगा वहां से भी। हमारे यहाँ से कर चुके हैं, अब उनको करना पड़ेगा। आ रही आवाज, आ रही आवाज, पूछिए प्रश्न। आप पूछिए जी, नहीं अभी तक नहीं, ये दूसरी क्या आवाज है। जब तक मैं चंदू भाई जैन को बोलूंगा, वो महाराष्ट्र से। चंदू भाई
चंदू भाई आपका माइक अनम्यूट कीजिए। चंदू भाई हाँ जी बोलिए। हो गया बोलिए। नमस्ते महाराज जी, आपके पदार्पण छिंदवाड़ा कब होंगे? प्रश्न पूछिए, जो प्रश्न हमारी आत्मा से संबंधित हो, हमारे जीवन से संबंधित हो, उन प्रश्नों का समाधान देने में आनंद रहेगा। जब छिंदवाड़ा वासियों का पुण्योदय जागृत होगा तब हमारा आनंद छिंदवाड़ा में होगा। मैं आप सभी से बता दूं, इसी तरह रोज हम लास्ट में 5 मिनट महाराज जी जो भी प्रवचन देंगे उस विषय पे प्रश्नोत्तर करेंगे। आज समय हो चुका है तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं और कल से 5 मिनट आप आपके सवाल तैयार रखिए। महाराज जी जो भी प्रवचन देते हैं या महाराज जी से जीवन संबंधित या आपकी कोई पर्सनल शंका हो तो उस संबंधित आप सवाल पूछ सकते हो। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। महाराज जी के चरणों में नमन कर मैं इस सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ और इसके पश्चात आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का प्रवचन वैशाली से आप लाइव देख सकते हैं, तुरंत शुरू होने जा रहा है। मैं प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रवीण जी लोहाड़े जय जिने जय जिनेन्द्र पारस भाई जय जिनेन्द्र। आ रही है आवाज? आ रही है आ रही बोली। अच्छा गुरुदेव हो गए लाइव। जयवंत हो हाँ गुरुदेव आ चुके हैं। प्रवीण जी लोहाड़े अपनी भूमिका रखे। जयवंत हो। भारत बिहार राज्य के वैशाली नगरी में परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। इस पंचम काल में कहा जाता है कि पंचम काल में यदि चतुर्थकालीन साधु का दर्शन करना है तो आइए परम पूज्य विशुद्ध गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और दर्शन कीजिए। कहा जाता है सर्वोदयी संत आध्यात्म योगी संस्कार शिरोमणि करुणा सागर परम पूज्य गणाचार्य वात्सल्य प्रभाकर विराग सागर जी के प्रभावशाली शिष्य परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव दिगंबर जैन परंपरा के एक ऐसे महान है जो वास्तु